जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल DR.OM चो में बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। यदि आपने अभी तक आपके अपने चैनल DR.OM चो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़ जाइएगा। भारत के युवाओं का चैनल है, यूथ सबसे अधिक इसे वॉच करता है। आपको हमेशा नई नई जानकारियाँ और बिल्कुल सटीक सटीक जानकारी देता है। आप इस वीडियो को टाइटल को देखकर ये मत सोचिए कि राशि अकेले में देखे। दोस्तों, ये वीडियो का विषय इसलिए इतना यूनिक हमने बनाया है कि बहुत से लोग हमें फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत से लोग परेशान होते हैं, बहुत से लोगों को कई सारी परेशानियाँ हैं। और आप, मुझे यकीन है कि आपको भी कोई ना कोई इस जीवन में, चाहे आपके पास धन हो, दौलत हो, शोहरत हो, सब है, लेकिन फिर भी आपके साथ कोई ना कोई आपकी एक ऐसी निजी प्रॉब्लम होगी जिसका आप हल चाहते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ हम सभी लोग शांति के लिए दौड़ रहे हैं। हर व्यक्ति यहाँ शांति के लिए हर काम करता है, वो जीवन में खुशहाली चाहता है, शांति चाहता है। तो सबसे पहली बात, आप अपना जितना भी ध्यान है उसे कॉन्सनट्रेट करके मेरी इन बातों को ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि दोस्तों मैंने इसीलिए बोला है कि आप इस वीडियो को अकेले में देखें, शांति से देखें, ताकि आपको अच्छी जानकारी मिल पाए। आपके जीवन में आपकी जो भी लक्ष्य हो, जो भी टारगेट हो, जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसका रोड मैप आपका सही होना चाहिए। रोड मैप का मतलब कि उस लक्ष्य को हम कैसे पाएंगे, इसकी जो भी क्रिया है या जो भी इसका मैप है, रास्ता है, उसे क्लियर कर लें, ताकि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ जाए। दूसरी बात, अध्ययन। जब तक आप अध्ययन करेंगे, जब तक नई जानकारियाँ जुटाएंगे, जब तक आप नई नई चीज़ों को पढ़ते रहेंगे, तब तक आप हमेशा रिफ्रेश रहेंगे और फ्रेश भी रहेंगे, क्योंकि नई जानकारियाँ नई चीज़ों को जन्म देती, नई चीज़ों के साथ क्रिएटिव जो हमारे अंदर रचनात्मकता जो है वो खुलकर बाहर आती है, और उससे बहुत ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तीसरी बात है मौन, खामोशी जो है, मौन और खामोशी में दोनों में अंतर है। मौन आप 1 घंटे 2 घंटे 24 घंटे के अंदर, मैं जानता हूँ 8 घंटे तो सभी सोते ही हैं, 8 घंटे से 6 घंटे की नींद लेते ही हैं, कोई 10 घंटे की नींद लेता है, लेकिन जीवित और जागृत अवस्था में 1 घंटे का मौन जरूर रखें। दोस्तों, ऐसी मैं बातें आपको बता रहा हूँ जो अगर आप इन्हें 15 दिन तक यदि फॉलो करेंगे, तो मैं आपसे यकीन, आप मुझसे इस बात की गारंटी ले लीजिए कि आपके जीवन की यदि कोई भी, जितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी होगा या कोई भी समस्या होगा, उससे आपको निजात जरूर मिलेगी, और आप बिल्कुल, आपको सब चीज़ें समझ आ जाएगी। मौन व्रत शुरू करें, 1 घंटा मौन रहने की आदत डालें, जीवित जागृत अवस्था में। जीवित जागृत अवस्था में ये कि मन में जो विचार है उन्हें भी शून्य करने की कोशिश करें। देखिए, शून्य होना बहुत कठिन है, ये बात पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप अपने मन को कहीं भटकने मत दें। केवल एक बिंदु, या तो कोई ईश्वरी नाम का जप कर लीजिएगा, या कोई तस्वीर को देखिए, या कोई लो दीपक जो जलाते हैं, या लो को देखिए आप। तो इस तरह से आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपको फ़ायदा होते रहेगा। तो ये दोस्तों सबसे बेसिक बात आपसे मैंने शेयर की। अब एक और मुख्य बात है, आपका सकारात्मक रहना। मैं हमेशा आपको हर वीडियो में ये बात, सकारात्मक रहना जीवन की सबसे बड़ी औषधि है। ये औषधि न तो किसी पेड़ पर पैदा होती है, और न ही कहीं ज़मीन में, यह हमारे खुद के अंदर होती है, जिसे हम खुद बनाए रख सकते हैं। तो सकारात्मक रहिए, नकारात्मक बातों से दूरी बना के रखिए। तीसरी बात, हमेशा अपने व्यवहार को मेंटेन करना सीखें। व्यवहार मेंटेन करना एक बहुत बड़ी कला है, और बहुत बड़े बड़े काम आपके बन सकते हैं यदि आपके व्यवहार मेंटेन है, जिसे PR भी कहते हैं, पब्लिक रिलेशन। तो प्लीज़, मैं इन बातों को इसलिए आपसे अकेले में सुनने के लिए कह रहा हूँ कि बहुत यूनिक बातें मैंने आपसे शेयर की है, जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी, और बहुत ही ज़्यादा आपको इससे लाभ होने वाला है तो आपके आगामी जीवन में। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आपको मेरी बातें समझ आई होगी, और वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में ज़रूर आप। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों, एक निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर, चैनल से जुड़े, क्योंकि युवाओं का चैनल है, यूथ का चैनल है, और नई नई जानकारी, थोड़ी सी यूनिक जानकारी है, थोड़ा आप इसे समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें आप पकड़ पाएंगे। तो प्लीज़, आप सपोर्ट इसे करते रहें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय हिंद।